एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जब आतुषी को होश आता है तब वो एक डॉर्म के रूम में था और आतुषी ये देखकर काफी खुश था क्योंकि काफी समय बाद बेचारे को एक छत नसीब हुई है क्योंकि वो काफी समय से इधर उधर भटकता फिर रहा है। वैसे इस डॉर्म को डिटेक्टिव एजेंसी ओन करती है और आतुषी के यहाँ रुकने की वजह दाजाई नाम का एजेंट है क्योंकि दाजाई चाहता है कि आतुषी भी उसकी एजेंसी का पार्ट बने, तो उसने आतुषी को इस डॉर्म में रहने की जगह दी है। साथ ही उसने आतुषी के लिए कपड़े भी अरेंज किए और इवन एक फोन भी, जिसे देखकर आतुषी काफी ज्यादा खुश है। इसके बाद आतुषी को दाजाई का कॉल आता है जो किसी इमरजेंसी की वजह से आतुषी को अपने पास बुला रहा है, तो आतुषी फटाफट से दाजाई के पास चला जाता है। मगर जब आतुषी दाजाई के पास पहुंचता है तो वो ये देखकर काफी सरप्राइज है कि दाजाई ने फिर से सुसाइड करने की कोशिश की है। मगर अब दाजाई को काफी ज्यादा पेन हो रहा है तो दाजाई अब अपना सुसाइड मिशन अबॉर्ट करना चाहता है क्योंकि उसे पेन बिल्कुल भी पसंद नहीं है और इसीलिए उसने आतुषी को यहाँ बुलाया है ताकि वो दाजाई की हेल्प कर सके। तो आतुषी दाजाई को बैरल से निकालने में हेल्प कर देता है। इसके बाद दाजाई आतुषी को थैंक्स बोलते हुए कहता है कि मैंने तुमसे पहले अपने कलीग्स को भी फोन किया था मगर उन लोगों में से किसी ने भी मेरी हेल्प नहीं की, सभी ने मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन कह के फोन काट दिया। क्या जमाना आ गया है, कोई किसी की हेल्प करता ही नहीं है। इसके बाद दाजाई आतुषी को अपनी एजेंसी में जॉब ऑफर करता है तो आतुषी बोलता है कि बेशक मेरे पास सुपर पावर्स है मगर ऐसी पावर्स होने का कोई भी फायदा नहीं है जिन्हें मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। आप परेशान मत होइए, मैं कोई और जॉब ढूंढ लूंगा। तो दाजाई उसे प्रॉमिस करता है कि वो आतुषी की जॉब ढूंढने में हेल्प करेगा। तभी यहाँ पर दोपो आ जाता है जो दाजाई पर काफी ज्यादा भड़का हुआ था क्योंकि दाजाई की वजह से एजेंसी की इमेज खराब हो रही है क्योंकि वो अपने काम को सीरियसली लेता ही नहीं है क्योंकि उसका ज्यादातर फोकस तो अपने सुसाइड मिशन पर रहता है। इसके बाद दोपो दाजाई को बताता है कि एक इमरजेंसी है जिसमें हम लोगों की जरूरत है क्योंकि एक बॉम्बर ने एक लड़की को हॉस्टेज बना लिया है। इसके बाद ये लोग बॉम्बर के पास चले जाते हैं जहां बॉम्बर ने एक लड़की को हॉस्टेज बना रखा था। इस लड़की का नाम नाओमी है और तो और वो एजेंसी की पार्ट टाइम वर्कर है। इसके बाद ये लोग बॉम्बर से उसका मोटिव पूछते हैं ताकि ये लोग बॉम्बर के साथ नेगोशिएट कर सके। मगर बॉम्बर तो एजेंसी से बहुत ज्यादा नफरत करता था और अपना रिवेंज लेने के लिए वो एजेंसी के प्रेसिडेंट को उड़ाना चाहता है। वैसे दाजाई और दोपो को देखकर आतुषी को पूरा भरोसा है कि ये दोनों इस बॉम्बर को आसानी से हैंडल कर सकते हैं, तो आतुषी ये सोचकर थोड़ा सा रिलैक्स फील करने लगता है। मगर दोपो और दाजाई तो रॉक पेपर सीजर गेम खेलकर डिसाइड कर रहे थे कि इस बॉम्बर को कौन ठिकाने लगाएगा। इस गेम में ऑब्वियसली दोपो हार जाता है तो अब उसे ही इस बॉम्बर को ठिकाने लगाना पड़ेगा। मगर वो पहले बॉम्बर के साथ नेगोशिएट करना चाहता है मगर बॉम्बर भी खिसका हुआ था जो उसे धमका कर टेबल पर एक डॉगी बनवा देता है। तो प्लान फेल होता देख आतुषी एक न्यूज़पेपर बॉय बनकर बॉम्बर का ध्यान खींचने लगता है ताकि वो बॉम्बर को डिस्ट्रैक्ट कर सके, जिसका फायदा उठाकर दाजाई बॉम्बर को हैंडल करने की कोशिश करता तो है मगर फिर भी बॉम्बर डेटोनेटर की बटन दबा देता है जिससे बॉम्ब का काउंटडाउन चालू हो जाता है। अब इन लोगों के पास एक ही ऑप्शन बचा था कि किसी को बॉम्ब को अपनी बॉडी से कवर करना पड़ेगा वरना यहाँ मौजूद सभी लोग मारे जाएंगे। तो कुछ सोचकर आतुषी बॉम्ब को अपनी बॉडी से कवर कर लेता है क्योंकि उसे लगता है कि दाजाई ने उसके लिए पहले ही बहुत कुछ कर दिया है, तो अब इस बार वो दाजाई को प्रोटेक्ट करना चाहता है। मगर सरप्राइजिंगली यहाँ पर कोई भी ब्लास्ट नहीं होता, वेल ये सब एजेंसी का एक सेटअप था। ये लोग आतुषी को टेस्ट करना चाहते थे कि असल में आतुषी अच्छा लड़का है या बुरा लड़का है। वेल ये लोग देखना चाहते थे कि आतुषी अपने आप को सेक्रीफाइस करके दूसरों की जान बचाने की कोशिश करेगा भी या नहीं। और आतुषी का ये डिसीजन देखकर बाकी लोग काफी खुश हैं कि आतुषी अच्छा लड़का है। इसके बाद हमें पता चलता है कि बॉम्बर भी इसी एजेंसी का पार्ट है जिसका नाम तानाजाकी है और जो लड़की उसने किडनैप की थी उसका नाम नाओमी है और तो और वो तानाजाकी की सिस्टर है। इसके बाद दाजाई आतुषी को बताता है कि तुमने एजेंसी का टेस्ट पास कर लिया है
और आज से तुम इस एजेंसी का पार्ट हो। तभी यहाँ पर एजेंसी का प्रेसिडेंट आ जाता है और वो भी आतोशी से काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड है, पर वो दाजाई से कहता है कि आतोशी अब से तुम्हारी केयर में रहने वाला है। तो दाजाई खुशी से आतोशी को एजेंसी में वेलकम कर लेता है, मगर आतोशी अभी भी थोड़ा सा हेजिटेट कर रहा था क्योंकि वो एजेंसी के लिए बर्डन नहीं बनना चाहता। तो दाजाई कहता है कि फिर से सोच लो, तुम्हारे ना तो दोस्त है, ना तुम किसी को जानते हो और ना ही तुम्हारे पास कोई ढंग की स्किल है, और तो और तुम एक वांटेड टाइगर भी हो, तो सोच लो तुम्हें जॉब कौन देगा। तो ये सब सोचकर आतोशी दाजाई का ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। इसी के साथ ये एपिसोड एंड होता है। सो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।